नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय विद्यार्थियों, मैं गौतम चंद, व्याख्याता हिंदी, श्री कर्णी एकेडमी एंड एजुटेक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 और कक्षा 12 के अनुसार अलंकार नामक टॉपिक पढ़ेंगे। क्या है अलंकार, अलंकार की परिभाषा और हमारे पाठ्यक्रम में कौन कौन से अलंकार के प्रमुख भेद हैं, उन सभी की विस्तार से बातचीत करेंगे। तो आज के प्रकरण का नाम है अलंकार। अलंकार जो शब्द है, प्रिय विद्यार्थी, दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। देखिए, दोनों की विस्तार से बात करते हैं। अलम शब्द का क्या अर्थ होता है और कार शब्द का क्या अर्थ होता है। तो अलंकार शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर कर बना हुआ है। दो शब्द है, एक शब्द है अलम और दूसरा शब्द है कार। प्रिय विद्यार्थियों, अलम शब्द है, उस अलम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है शोभा और कार का मतलब होता है करने वाले, अर्थात वे शब्द जो क्या बढ़ाते हो, शोभा बढ़ाते हो। और शोभा किसकी बढ़ाई जाए, हिंदी भाषा में बात करें काव्य खंड की, पद्य खंड की, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते। तो दो शब्दों से मिलकर बनाए अलम और का। परिभाषा क्या होगी, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। प्रिय विद्यार्थियों, जिस प्रकार आभूषण नारी की शोभा को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार है वो हिंदी भाषा के अंतर्गत काव्य की शोभा बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। शुद्ध परिभाषा हुई, काव्य की शोभा बढ़ाने वाली तथा उसके शब्दों एवं अर्थों की सुंदरता में वृद्धि करके चमत्कार उत्पन्न करने वाले कारकों को अलंकार कहते हैं। तो अलंकार का कार्य है काव्य की शोभा बढ़ाना। देखिए, हिंदी के दो भाग, गद्य और पद्य। हम बात करें पद्य खंड की, काव्य खंड की, तो काव्य खंड की शोभा बढ़ाने वाले कारक, और किसके माध्यम से बढ़ाते हैं, या तो शब्दों के माध्यम से या शब्दों के अर्थों के माध्यम। तो इन शोभा बढ़ाने वाले कारकों को, चमत्कार उत्पन्न करने वाले कारकों को किस नाम से जाना जाता है, अलंकार के नाम से जाना। तो अलंकार की बात करते हैं, काव्य खंड की बात करते हैं, अलंकार का प्रयोग हमेशा काव्य खंड के अंतर्गत होता है। पुस्तक के अंतर्गत भी आपकी सप्रसंग व्याख्या आती है और अंत में आपको विशेष लिखना पड़ता है। विशेष में उस काव्य खंड के अंतर्गत जिस अलंकार का प्रयोग हुआ है उसके बारे में जानकारी देनी है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथा शब्दों और अर्थों की सुंदरता में वृद्धि करने वाले, चमत्कार उत्पन्न करने वाले कारकों को क्या कहा जाता है, अलंकार कहा जाता है। ये इसकी क्या है, सामान्य परिभाषा। फिर बात करते हैं अलंकार के भेद। प्रिय विद्यार्थियों, अलंकार को मुख्यतः दो भाग माने गए। कितने भेद माने गए, दो, शब्दालंकार और अर्थालंकार। कहीं कहीं इसका तीसरा भेद उभयालंकार भी पढ़ने को मिलता है। कौन सा तीसरा प्रकार इसका, कौन सा है, उभयालंकार। क्या होता है, इस संबंध भी अपन विस्तार से बातचीत करें। पहले बात करते हैं शब्दालंकार। जब केवल शब्दों में चमत्कार पाया जाता है तब शब्दालंकार, यानी कि काव्य में शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ जाए, शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाए, वहां पर कौन सा अलंकार, शब्दालंकार। तथा जब अर्थ में चमत्कार होता है तब अर्थालंकार कहलाता है, अर्थात शब्द के अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ जाए या शब्द के अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अर्थालंकार। तो मुख्यतः दो भेद, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ना, अर्थालंकार अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ना। इसके अलावा तीसरा साधन हमने लिया है उभयालंकार, जहां शब्द और अर्थ दोनों में किसी प्रकार की विशेषता प्रतीत हो वह उभयालंकार माना जाता है, अर्थात जहां दोनों ही शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ जाए या काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है,
उभय अलंकार, उभय यानी दोनों, किन दोनों की बात करते हैं, शब्द और अर्थ। अर्थात केवल शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़े वहां पर शब्द अलंकार, केवल शब्द के अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहां पर अर्थ अलंकार, और जहां पर शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से ही काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाए, काव्य की शोभा बढ़ जाए, वहां पर कौन सा अलंकार माना जाता है, उभय अलंकार माना जाता। तो ये अलंकार की मुख्यतः भेद। अब हम आगे पढ़ेंगे शब्द अलंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं और अर्थ अलंकार में कौन कौन आते हैं, एक एक को हम विस्तार से पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं शब्द अलंकार के कुछ उदाहरण, और पहला अलंकार ले रहे हैं अनुप्रास अलंकार। क्या है अनुप्रास अलंकार, उसकी परिभाषा की बात करते हैं और उदाहरणों की बातचीत करते हैं। जहां किसी पंक्ति में, कैसी पंक्ति, काव्य की पंक्ति, जहां किसी काव्य की पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण की अनेक बार कर्म से आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात कहने का मतलब जो काव्य की पंक्ति लिखी हुई हो और उसके अंदर एक ही तरह के वर्ण बार बार आए, दो या दो से अधिक बार आना यानी आवृत्ति होना, वहां पर हमेशा किसकी बात की जाती है, अनुप्रास अलंकार की बात की जाती है। तो अनुप्रास अलंकार में हम किसकी बात करते हैं, वर्णों की बात करते हैं। आवृत्ति किसकी होती है, वर्ण की आवृत्ति होती है। कैसे, उदाहरण देखिए, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुचाय। देखिए इस काव्य की पंक्ति को देखिए, इसको देखने पर कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है, त वर्ण है, तरणी में त, तनुजा में त, तट में त, तमाल में त, तरुवर में त, यानी कि त वर्ण की कम से कम चार बार आवृत्ति। और हमने क्या बात की है कि एक ही वर्ण की काव्य की पंक्ति में आवृत्ति हो बार बार, बार बार यानी दो या दो से अधिक बार आना, तो यहाँ पर दो से अधिक बार आए, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार रहेगा। दो बार आए तो भी रहता है, तो यहाँ दो से अधिक बार आ चुका। इसके अलावा देखो र वर्ण भी आया हुआ तीन बार, तो र वर्ण की भी आवृत्ति हो रही है, तो र वर्ण की आवृत्ति होने पर भी यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। दूसरा उदाहरण देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल तल में, चारु में छह वर्ण की आवृत्ति हो रही है, पूरे वाक्य में देखिए है ना, यहाँ पर भी छह, यहाँ भी छह वर्ण है, चंचल में दो बार छह वर्ण का प्रयोग हुआ है, यानी कि छह वर्ण की बार बार क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, और आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। इसके अलावा ल वर्ण की भी आवृत्ति हो रही है, चंचल में ल, खेल में ल, जल और थल में ल की आवृत्ति, यानी कि जहाँ पर काव्य की पंक्ति में या काव्य की पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण की अनेक बार क्या हो, आवृत्ति हो, दो या दो से अधिक बार आए, वहाँ पर हमेशा कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार होता है। है आपने सामान्यतः सुना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच चटनी चटाई, कौन सा वर्ण बार बार आया, छह वर्ण की आवृत्ति हुई। अर्थात किसी भी वर्ण की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो वहां पर अलंकार कौन सा रहेगा, अनुप्रास अलंकार रहेगा। आगे देखिए अनुप्रास अलंकार के भेदों की बात करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अनुप्रास अलंकार के पांच भेद हम पढ़ेंगे। नंबर एक पहले पढ़ते हैं सेकानुप्रास। पहला भाग कौन सा इसका उपभेद है, सेकानुप्रास। परिभाषा देखिए, जहां कोई वर्ण किसी पंक्ति में केवल दो बार आए वहां सेकानुप्रास अलंकार होता है। वर्ण की आवृत्ति केवल कितनी बार होनी, दो बार, यानी वर्ण केवल कितनी बार आए, दो बार, वहां पर कौन सा अलंकार, सेकानुप्रास। तो अपन पढ़ ही रहे वर्णों की आवृत्ति के बारे में, परंतु केवल वर्ण दो बार आए वहां से अनुप्रास। इस करुणा कलिल हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, ठीक है ना, कौन सा वर्ण है, देखो मैंने कहा ऐसे बहुत सारे, परंतु अपन को दो वर्णों की ओर अभी ध्यान देना है, और दो वर्ण की हम कौन सी बात करते हैं यहाँ पर,
ठीक है ना, यहाँ पर करुणा में र की और रागिनी में र की, ये वर्ण केवल कितनी बार आए हैं, दो बार। इन दो आपको लिखना ऐसे तो देखिए क वर्ण की तीन बार आवृत्ति है, परंतु दो से अधिक बार के आवृत्ति होते ही अनुप्रास का भेद बदल जाता है, इसलिए इसमें आपको लिखना है र वर्ण की दो बार आवृत्ति, इसलिए इसमें सेकानुप्रास है। कानन कठिन भयंकर भारी, अब देखिए यहाँ पर क वर्ण की है वो दो बार आवृत्ति हुई, वर्ण की भी कितनी बार, दो बार आवृत्ति हुई है। तो काव्य की पंक्ति में एक ही वर्ण की केवल कितनी बार, दो बार आवृत्ति हो, वहां पर क्या होता है, सेकानुप्रास अलंकार होता है। दूसरा भेद देखिए अनुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास अलंकार, क्या परिभाषा है, जहां किसी वर्ण की आवृत्ति दो से अधिक बार हो वह वृत्यानुप्रास अलंकार होता है, यानी कि एक ही वर्ण कितनी बार आए, दो से अधिक बार आए, कितनी बार आए, दो से अधिक बार आए, वहां पर हमेशा वृत्यानुप्रास अलंकार रहता है। दो बार आए तो सेकानुप्रास, दो से अधिक बार आते ही वृत्यानुप्रास अलंकार। उदाहरण देखिए रघु नंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंद, बताइए किस वर्ण की आवृत्ति दो से अधिक बार हुई है। न वर्ण को ले लो, न वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है, यहाँ पर भी न है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है तथा नंदम में दो बार, यानी कि चार बार न वर्ण की आवृत्ति हुई, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण देखें वीरति विवेक विमल विज्ञान, कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही दो से अधिक बार, व वर्ण की, वीरति में भी है, विवेक में भी है, विवन में भी है और विज्ञानी में भी, यानी कि ये वर्ण कितनी बार प्रयुक्त हुए हैं, दो से अधिक बार। तो जहां काव्य की पंक्ति में किसी वर्ण की दो से अधिक बार आवृत्ति हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वृत्यानुप्रास अलंकार। तीसरे उपभेद की बात करते हैं अनुप्रास अलंकार के, जिसका नाम है श्रुत्यानुप्रास अलंकार, क्या नाम है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, क्या परिभाषा है, जहां मुख से एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो वह श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। अर्थात कहने का मतलब मुख से उच्चारित होने वाले वर्ण उनका उच्चारण स्थान एक ही होना चाहिए, जैसे मैं कह देता हूं क वर्ग, क वर्ग में हम बात करते क ख ग घ ण, इन पांचों वर्णों को बोलने के लिए किस उच्चारण स्थान का प्रयोग किया जाता है, कंठ का, क ख ग घ ण, ठीक है ना, तो ये कंठ है, ये पूरा पांचों वर्ण है वो एक ही स्थान से बोले जा रहे हैं, ठीक है ना, तो ऐसे वर्ण है ना जो एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित हो उनका प्रयोग हो यदि वाक्य में तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं दीनांत था थे दीननाथ डूबते, दीनांत दिन के अंतिम से, अब देखिए यहाँ पर त वर्ग के वर्ण है, कौन से वर्ग की बात कर रहा हूं मैं, त वर्ग, त वर्ग के जो वर्ण है उनकी आवृत्ति हो रही है और त वर्ग को बोलने के लिए हमारी जो जीभ है वो दांतों के स्पर्श करती है, त थ द द न, यानी सबका उच्चारण स्थान क्या है, दांत, और उस स्थान उच्चारण स्थान को बोलते हैं दंत्य, क्या बोला जाता है, दंत्य बोला जाता है। अब देखिए उदाहरण है दीनांत था थे दीननाथ डू, अब त थ द द न में से द आ चुका है, न आया है, त थ या भी थ द न न थ वापस थ, ये क्या एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्ण, तो जहां मुख से एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, वृत्यानुप्रास श्रुत्यानुप्रास अलंकार। दूसरा उदाहरण देखो तुलसी दास सिदत निस दिन देखत तुम्हारी निटुराए, यहाँ भी देखो त वर्ग की आवृत्ति हो रही है ना, तुलसीदास में त और द आ चुके हैं,
सिद्धत में द और त, निश में न, दिन में द और न, देखत में द और त, तुम्हारी में त और निचुराई में न, और ये सब क्या हैं? एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार। आगे देखिए चौथा उपभेद है जिसका नाम है अंत्यानुप्रास अलंकार। परिभाषा देखिए अंत्यानुप्रास अलंकार की। अंत्यानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहां काव्य के अंत में समान स्वरों की आवृत्ति हो वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अर्थात यहाँ काव्य के अंत में आपको कैसे एक जैसे समान आवर, और जिसे अपन कहते हैं तुकबंदी। किस नाम से जानते हैं? तुकबंदी के नाम से भी जानते हैं। तो जहाँ तुकबंदी का प्रयोग हो, अंत में एक जैसे स्वर आए, वहां पर कौन सा? अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। उदाहरण देखिए तज प्राणों का मोह आज सब मिलकर आओ, मातृभूमि के लिए बंधुवर अलख जगाओ। अब देखो यहाँ आओ, आ और ओ का स्वर निकल रहा है, और यहाँ जगाओ, यहाँ भी आ और ओ का स्वर निकल रहा है। तो क्या पढ़ा हमने? जहाँ वाक्य के अंत में समान स्वरों की आवृत्ति हो, तो क्या यहाँ पर अंत में एक जैसे स्वर नहीं आ रहे हैं? आ और ओ, यहाँ भी गा में आ की मात्रा और ओ दे रखा है। तो अंत में जहाँ समान स्वरों की आवृत्ति होती है वहां पर हमेशा कौन सा अलंकार? अंत्यानुप्रास अलंकार। अगला अंतिम पांचवा भेद जिसका नाम है लाटानुप्रास। प्रिय विद्यार्थियों कुछ विद्वान इसको अलग श्रेणी में गिनते हैं और कुछ इसको पांचवा भाग मानते हैं, तो हम इसको पांचवे भाग के रूप में पढ़ रहे हैं। किसे कहते हैं लाटानुप्रास? इसमें ऐसे शब्द या वाक्य दोबारा आते हैं जिनका सामान्य अर्थ एक ही होता है। क्या कहा है? इसमें भी दो एक जैसे वाक्य होते हैं या शब्द होते हैं, और सामान्य अर्थ करें तो एक ही निकलता है, किंतु अन्वय, अन्वय का मतलब दूसरा अर्थ करने पर पूरी उक्ति का अर्थ क्या है? बदल जाता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है? लाटानुप्रास अलंकार होता है। अर्थात कहने का मतलब ऐसे अनुप्रास या ऐसे वाक्यों में दो शब्द या दो वाक्य, एक वाक्य दोबारा प्रयुक्त होता है। सामान्य अर्थ तो एक ही निकलता है, परंतु विशेष अर्थ करे तो पूरी उक्ति का यह अर्थ क्या हो जाता है? बदल जाता है। वहां पर कौन सा अलंकार? लाटानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए पूत सपूत तो क्यों धनसुंचे, और पूत कपूत तो क्यों धनसुंचे। दोनों समानता लिए हुए, बस एक शब्द का अंतर है। पहले जो पंक्ति पहली पंक्ति है वहां सपूत शब्द का प्रयोग है और दूसरी में कपूत। अब विशेष अर्थ क्या निकला है? कि पूत सपूत हो तो धन इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है, संचय करने की जरूरत नहीं है, और पूत कपूत हो तो भी धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि पूत सपूत होगा तो वो धन को कमा लेगा अपनी बुद्धि से, और पूत कपूत होगा तो वो कुबुद्धि से जो कमाया हुआ धन, जो इकट्ठा किया हुआ संचय किया हुआ है, उसको भी खर्च कर। तो दोनों समानता लिए हुए, परंतु अन्वय करने पर दोनों का अर्थ क्या हो जाता है? बदल जाता है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार रहता है? लाटानुप्रास अलंकार रहता है। दूसरा उदाहरण देखिए पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता है ना, दोनों का अर्थ एक है, परंतु यहाँ एक कौमा मात्रा से यहाँ जन पे जन के बाद मात्रा लगा दी है और यहाँ पर नहीं के बाद, वाक्य का अर्थ ही बदल। तो जहाँ पर क्या हो, सामान्य अर्थ तो एक निकले परंतु अन्वय करने पर विशेष अर्थ निकलता है। सब मूल में रोको फिर कौमा लगा दी, मत जाने दो, और ये का ये वाक्य मैं लिख देता हूं रोको मत, फिर कौमा लगाता हूं और आगे लिखता हूं जाने दो। देखो दोनों शब्द एक जैसे हैं, परंतु एक मात जो कौमा के कहते दोनों का अर्थ क्या हो जाता है? बदल। पहले का क्या? रोको मत जाने दो, तो रोकने की बात, परंतु दूसरे में रोको मत जाने दो,
शब्द एक जैसे हैं, परंतु कॉमा के एक प्रयोग की खातिर दोनों के अर्थ में क्या जाता है, बदलाव आ जाता है। तो ऐसे अनुप्रास कौन से होते हैं, लाटानुप्रास अलंकार होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अलंकार में हमने पहला पढ़ा है अनुप्रास, इसमें वर्णों की आवृत्ति होती है और इसके कितने उपभेद पढ़े, 5 उपभेद हमने पढ़े। आगे बात करते हैं दूसरे उपभेद। दूसरा उपभेद है यमक अलंकार। क्या है यमक अलंकार, उसकी परिभाषा की बात करते हैं और उदाहरणों की बातचीत करते हैं। परिभाषा है, जहां पर एक ही शब्द की अनेक बार भिन्न अर्थों में आवृत्ति हो वहां पर यमक अलंकार होता है। अर्थात जब किसी वाक्य या पंक्ति में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न यानी अलग हो, तब कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। कहने का तात्पर्य यह है कि काव्य की पंक्ति में एक जैसे शब्द कम से कम दो बार आए या दो से अधिक बार आए, परंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ क्या हो, अलग हो, वहां पर अलंकार कौन सा रहेगा, यमक अलंकार रहेगा। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण देखिए, खग कुल 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 सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। अब देखिए यहां भी कुल शब्द है और यहां भी कुल कुल शब्द है, यानी ऐसे तो कुल शब्द तीन बार है परंतु यहां एक साथ ही दे रखा है, तो अपन दो बार देखते हैं। जो पहला जो कुल शब्द आया है उसका अर्थ होता है समूह, यानी कि खग कुल यानी पक्षियों का समूह, और दूसरा तीसरा जो कुल कुल आया है शब्द उसका अर्थ होता है पक्षियों के कुल कुल कलरव से, आवाज जो कुल कुल की करते हैं उससे लिया। तो एक कुल का मतलब क्या हो गया, समूह से, और दूसरे कुल कुल का मतलब उनकी आवाज से लिया गया है। तो शब्द तो तीनों एक जैसे हैं परंतु अर्थ क्या है, अलग अलग निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अलंकार कौन सा रहेगा, यमक अलंकार। दूसरा उदाहरण देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए, कौन से दो समान शब्द आए, सजना, ये शब्द भी सजना है और ये भी सजना। पहले सजना शब्द का अर्थ होता है श्रृंगार, क्या मतलब होता है, श्रृंगार करना, और दूसरा सजना का मतलब नायक या पति के लिए ले सकते हैं। तो अर्थ क्या होगा, मुझे श्रृंगार करना है पति के लिए। तो एक सजना शब्द का अर्थ श्रृंगार से है, सजावट से है, और दूसरा सजना का मतलब स्वामी पति या नायक से लिया है। तो शब्द एक जैसे, अर्थ क्या हो रहे हैं, अलग अलग, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। और उदाहरण देखिए, कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिका है, वा खाए बोराए घर, या खाए या पाए बोराए। अब देखिए यहाँ दो शब्द एक जैसे हैं, कनक कनक, एक कनक शब्द का अर्थ होता है स्वर्ण यानी सोना, और दूसरे कनक का मतलब है दतुरा, है सोने को पाकर भी व्यक्ति पागल हो जाता है और दतुरे के खाकर भी व्यक्ति क्या हो जाता है, बुरा हो जाता है, पागल हो जाता है। तो एक कनक का मतलब सोने स्वर्ण से लिया गया है, तो दूसरे का मतलब किससे लिया गया है, दतुरे से, यानी दो समान शब्द परंतु अर्थ क्या, अलग अलग, वहां पर कौन सा होगा, हमेशा यमक अलंकार। तो ये किसके बारे में है, यमक अलंकार के बारे में है। क्या पढ़ा यमक अलंकार में, काव्य की पंक्ति में जहाँ एक ही प्रकार के शब्द दो या दो से अधिक बार आए परंतु अर्थ भिन्न भिन्न अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। तीसरा भेद यानी तीसरे अलंकार की बात करते हैं, और तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। किसे कहते हैं श्लेष अलंकार, देखिए, जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है, क्योंकि श्लेष का अर्थ ही क्या होता है, छिपका हुआ, यानी एक शब्द में बहुत सारे अर्थ होते हैं, छिपके हुए रहते हैं। यहाँ पर एक ही शब्द कई अर्थों के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं परंतु प्रसंग के अनुसार, किसके अनुसार, प्रसंग अनुसार, उसमें कितनी बातें बताई गई है, कितने प्रसंग बताए गए हैं, उस प्रसंग के अनुसार उस शब्द के अर्थ निर्धारित होते हैं। तो जहाँ काव्य की पंक्ति में प्रसंग के अनुसार एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकले
वहां पर हमेशा कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। और श्लेष शब्द का सामान्य अर्थ भी क्या होता है? छिपका हुआ, यानी कि एक शब्द में बहुत सारे अर्थ क्या होते हैं? छिपके हुए होते हैं। एक शब्द के कितने हैं? बहुत सारे अर्थ, जिसे अपन अनेकार्थ शब्द भी कहते हैं, उनका प्रयोग इसके अंतर्गत होता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। दूसरी पंक्ति के माध्यम से हम यहाँ श्लेष अलंकार को समझते हैं। क्या कहा है? पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हम जो बात कर रहे हैं ना, वो किसके बारे में कर रहे हैं? पानी शब्द के अर्थ के। और यहाँ पानी शब्द के तीन प्रसंगों के आधार पर तीन अर्थ, तीन प्रसंग कौन कौन से? एक तो मोती जो मन का होता है उसके संदर्भ में, मानुष मनुष्य के संदर्भ में, और तीसरा है चून, चून का मतलब आटे के संदर्भ में, है ना। तो प्रसंग कितने हमारे सामने? तीन है। पानी शब्द के अंदर अर्थ कितने छिपे हुए हैं? तीन। कैसे? देखिए, ऐसे पानी शब्द जल के लिए होता है, परंतु यहाँ पानी केवल जल के लिए नहीं है, तीनों के प्रसंग के अनुसार तीन अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। तो पानी शब्द सलिष्ट है और यहाँ इसके तीन अर्थ निकल रहे हैं। यदि मैं मोती की बात करूँ तो मोती में जब तक चमक होती है तब तक उसका महत्व होता है, तो मोती के लिए पानी का अर्थ क्या हो गया? चमक। मनुष्य की बात करें, मनुष्य के जब तक प्रतिष्ठा मान सम्मान इज्जत होती है तब तक उसका महत्व होता है, तो मनुष्य के लिए पानी शब्द का अर्थ क्या हो गया? प्रतिष्ठा, या अपन इज्जत भी कह सकते हैं, इज्जत शब्द के लिए। तो पानी के दो प्रसंग में दो अर्थ हो गए, और तीसरा चून यानी आटा, और आटे के लिए पानी का मतलब किससे लिया गया है? जल से लिया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, शब्द कितना? एक, और तीन प्रसंगों के आधार पर अर्थ भी कितने निकले? यहाँ तीन निकले। मोती के संदर्भ में, मोती के संदर्भ में क्या अर्थ निकला? चमक। मनुष्य के संदर्भ में प्रतिष्ठा या इज्जत, और चून यानी आटे के संबंध में क्या निकला उसका? पानी शब्द का अर्थ जल। तो एक ही शब्द में अनेक शब्द। दूसरा उदाहरण देखिए, चीर जीवो जोरी झूरे, क्यों न सने गंभीर, पो घटी ये वर्ष बानुजा, वे हल्दर के वीर। यहाँ दूसरी पंक्ति में क्या दे रखा है? श्लेष अलंकार। एक तो शब्द है वृष बानुजा, और दूसरा है हल्दर। प्रसंग के अनुसार यहाँ दो दो अर्थ, ठीक है ना। वृषभ अनुजा, वृषभ का मतलब था बैल, और अनुजा यानी उसकी छोटी बहन, और बैल की बहन किसको कहा जाता है? गाय को। तो एक तो वृष बानुजा का मतलब क्या होता है? बैल की बहन गाय के लिए, और दूसरा वृष बानुजा का अर्थ किसका? वृषभ की पुत्र वह वर्ष भानु की जा यानी जाई हुई, वर्ष भानु की पुत्री, और वो कौन है? राधा। तो वर्ष भानुजा के दो अर्थ हो गए, एक तो राधा और एक बैल की बहन गाय के। दूसरा शब्द है हल्दर, ठीक है ना। हल्दर यानी कि हल को धारण करने वाले, श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जो हमेशा क्या धारण करते थे? हल, इसलिए उनको हल्दर भी कहते हैं। तो एक तो शब्द उनके लिए बलराम के लिए, दूसरा खेतों के अंदर हल को धारण कौन करते हैं? बैल करते हैं। तो दूसरा हल्दर शब्द किसके लिए आ रहा है? बैल के लिए आ रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार रहता है? श्लेष अलंकार रहता है। और जैसे बहुत सारे उदाहरण है जिसके ना, जहां गांठ तहां रस नहीं। उदाहरण सुनिए, जहां गांठ तहां रस नहीं, जहां गांठ तहां रस नहीं। अब देखिए यहां दो अर्थ निकल रहे हैं, कितने अर्थ निकले हैं? दो। अब एक तो अपन गन्ने के संदर्भ में ले, और दूसरा अपन मनुष्य के संदर्भ में, है ना। गन्ने के संदर्भ में आपने गन्ना देखा होगा, और यहाँ बीच में उसकी गांठें होती है, कहते जहाँ गांठ होती है ना वहाँ रस नहीं होता, वहाँ जो मीठा पेय पदार्थ रस होता वो नहीं पाया जाता। तो गन्ने के संदर्भ में गांठ और रस का सामान्य अर्थ है, परंतु यदि मैं मनुष्य की बात करूँ तो यहाँ पर अलग है कि यदि मनुष्य के बीच में गांठ हो जाए, गांठ यानी शत्रुता या दुश्मनी,
वहां पर रस नहीं होता है, रस यानी कि मित्रता का भाव नहीं पाया जाता है, प्रेम का भाव नहीं पाया जाता है। तो जहाँ शत्रुता होगी, जहाँ दुश्मनी होगी, वहां प्रेम भाव नहीं होगा। तो गाढ़ शब्द के दो अर्थ, एक तो गन्ने की गाढ़ के लिए, दूसरा शत्रुता से लिया। रस शब्द के भी दो अर्थ, एक शीतल पेय पदार्थ के लिए और दूसरा प्रेम के लिए। तो प्रसंग के अनुसार एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, और कम से कम कितने अर्थ, दो अर्थ निकलते हैं। वहां पर कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। आगे बात करते हैं, तो आज हमने कुल ठीक है ना तीन, चौथा पढ़ते हैं हम उपमा अलंकार। किसे कहते हैं, देखिए उपमा अलंकार, काव्य में जब दो भिन्न भिन्न व्यक्ति या वस्तु के विशेष गुण, आकृति, भाव, रंग, रूप आदि को लेकर समानता बताई जाती है, अर्थात उपमेय और उपमान में समानता बतलाई जाती है, वह उपमा अलंकार होता है। दो भिन्न वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में उनके गुणों के खातिर, आकृति, भाव, रंग, रूप के खातिर दोनों में क्या बताई जाए, समानता बताई जाए, उनको क्या, वहां पर कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार, यानी उपमेय और उपमान में समानता। क्या है ये उपमा और उपमेय, इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो देखिए उपमा और उपमेय के बारे में, दोनों के बारे में जानते हैं, तो इसके लिए हमें उपमा के चार अंग पढ़ने पड़ेंगे। उपमा अलंकार के कितने अंग हैं, चार। नंबर एक उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म, और चौथा कौन सा है, वाचक शब्द। ये चारों अंग किसके माने जाते हैं, उपमा अलंकार के माने जाते हैं। उपमेय किसे कहते हैं, जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उदाहरण ऐसे ले रहा हूं, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, बताइए किसकी तुलना की मैंने, सीता के मुख की, या सीता का मुख क्या हो गया, उपमेय। उपमान जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। किससे तुलना की थी, चंद्रमा से, चंद्रमा शब्द क्या कहलाता है, उपमान कहलाता है। तो जिसकी तुलना की जाए उपमेय, जिससे तुलना की जाए उपमान। तीसरा अंग कौन सा है, साधारण धर्म। परिभाषा देखिए इसकी, उपमेय और उपमान में समान रूप से पाए जाने वाले गुण को क्या कहते हैं, समान धर्म कहते हैं, अर्थात ऐसा गुण जो उपमेय में भी है और उपमान में भी है, इसलिए हम दोनों की क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। उदाहरण क्या था, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, अर्थात सीता का मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी क्या है, सुंदर है। तो ये सुंदर शब्द है वो क्या, आपका साधारण धर्म माना जाएगा, यानी सुंदर दोनों के लिए, उपमेय और उपमान दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। चौथा कौन सा शब्द है, वाचक शब्द। जिन शब्दों के द्वारा उपमेय और उपमान को समान धर्म के साथ जोड़ा जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं, यानी कि उपमेय और उपमान दोनों को जोड़ने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें वाचक शब्द। इसके लिए कुछ शब्द हैं, सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरीस, सदृश, के समान, ये शब्द हैं वो वाचक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जैसे उदाहरण पढ़ा, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, के समान क्या माना गया है, यहाँ पर वाचक शब्द माना गया। आगे कल उपमा अलंकार की बात हम कल करेंगे, आज इसको यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।